नमस्कार दोस्तों, डॉलर रुपी मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अगस्त सुबह 10:11। डॉलर रुपी स्पॉट अभी है 82.67। कल पैनिक सेलिंग वहां तक हुआ था, 82.37 तक आया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर, यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते उसको जानने से पहले हम नजर डालेंगे डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 104.26 एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 104.50, 104.70 का इमीडिएट जो रेस्ट। इसको अगर तोड़ देता है इन सच केस, डॉलर इंडेक्स में नेक्स्ट ट्राई टू टेस्ट द अपर रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 105.50 से 105.70 के जो जोन है वहां पर। आज यूएस मार्केट में फेड चेयर जेरोम पावेल जैक्सन होल सिंपोसियम पे अपना स्टेटमेंट देने वाले। सारी के सारी दुनिया उनके स्टेटमेंट के ऊपर नजर गड़ाए हुए। क्यों नजर गड़ाए हुए हैं? क्या फेड चेयर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या ये जो रेट हाइक सिनेरियो है जिसको हम ऑकिश सिनेरियो भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या ये सिनेरियो फर्दर कंटिन्यू करेगा? क्या डेटा ड्रिवन होगा या कुछ डोविश कमेंट देने वाले हैं? एज फार एज द डेटा इज कंसर्न, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फर्दर रेट हाइक टू कंटिन्यू। इस टाइप का एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पॉवेल जी अपने स्टेटमेंट कैसे डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं उसके ऊपर मार्केट डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग जब कुछ बातें करते हैं तो हम ऐसे लूज स्टेटमेंट्स, लूज वर्ड्स यूज कर देते हैं, बट बड़े लोगों की एक एक शब्द का वैल्यू होता है। एक अगर वर्ड बोलते हैं तो उसका वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, क्या कहना चाहते हैं? ऑल दिस थिंग्स उसके बाद इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेसिस। इसीलिए जेरम पॉइल साहब का जो स्टेटमेंट होगा और इंटरेस्ट रेट सीनरियो, पूरा का पूरा मार्केट उसके ऊपर नजर गिरा। सो एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स एप्रिशिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जीबीपी डॉलर डाउन, काफी वीकनेस, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के नीचे चला गया। यूरो डॉलर भी अपना सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ दौड़ रहे हैं। डॉलर येन मीन्स 146.50 के ऊपर जाने का प्रयास। इधर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सीएनएच। अभी सीएनएच एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में आने के बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन था। कौन सा? 7.26 से 7.2650, वहीं पे कल सपोर्ट लिया और आज ऊपर जाने का प्रयास। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएट जो स्विंग हाई है टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद उस हाई को ब्रेकआउट करेंगे या नहीं करेंगे? इन द मीन टाइम पीबीओसी अपना हथौड़ा लेके चाइनीज युआन को फर्दर डेप्रिसिएशन होने से रेस्ट्रिक्ट करने में लगे हुए हैं। डेली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूक रहे हैं चाइनीज युआन को अंडर कंट्रोल, एक्सचेंज रेट को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। अभी ये तो हो गया पीबीओसी ये कर रहे, वो कर रहे, ऑल दिस थिंग्स, लेकिन जब तक चाइनीज इकोनॉमी पॉजिटिव सिग्नल्स देना चालू नहीं करेगा, ग्रोथ बरकरार होना चालू नहीं करेगा, तब तक ये जो इंटरवेंशन है दैट मीन्स द प्यूनिटिव एक्शन है या फोर्सफुल एक्शन है, ये सब टेम्पोररी। बीइंग द केस, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, क्या इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं?
हमें आने वाले दिनों में देखना है। ये हो गया हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ताकि हम डॉलर रुपए को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। अभी अगर हम देखेंगे डॉलर रुपी का एक जो अपवर्ड राइजिंग चैनल है, उसका जो लो है वो है आपका 82.25, 82.30। सो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी के लिए जो नया लो या सपोर्ट एरिया हो सकता है वो है आपका 82.20 से 82.35। ये एक आपका सपोर्ट लेवल बन सकते हैं। एज ऑफ नाउ या जो रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 82.40 एंड 82.20। सो दैट बीइंग द केस, अभी हल्का सा प्रतीत ये होता है कि नीचे के तरफ 82.20 से 35 का एक सपोर्ट जोन बन सकता है, एंड ऊपर की तरफ 83.20 से 83.40 का एक रेजिस्टेंस जोन बनना चाहिए। ये हमारा इनिशियल ऑब्जर्वेशंस। अभी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, क्या प्राइस इस दो लेवल को रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। क्यों? सपोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज द सपोर्ट अगर प्राइस रेस्पेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस विल बी एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस अगर रेस्पेक्ट करेगा प्राइस, यानी वहां पे जाके सलाम ठोकेगा फिर नीचे आएगा। सपोर्ट यहाँ पे आके सलाम ठोकेगा, प्रणाम करेगा और फिर ऊपर जाने का चालू करेगा। क्या हमने तो ये एक हल्का सा गैस किया है, इट्स ए गैस वर्क, लेकिन अभी हमें देखना है कि ये जो गैस वर्क काम करता है या नहीं। ये हमारा इनिशियल ऑब्जर्वेशन है। ऐसा लग रहा है प्राइस आने वाले दिनों में इस रेंज के अंदर में सस्टेन करना चाहिए, बट कॉन्फर्मेशंस अवेट। और कल एक पिन बार बनाया हुआ जिसको एमआरबी बोलते हैं, इसके हाई के ऊपर थोड़ा अप मूव है। अभी देखिए पिछले 3 दिन में जो डिजास्टर हुआ है डॉलर, मैं क्यों डिजास्टर बोल रहा हूं, जो लोग भर भर के लॉन्ग बना रहे, स्पेशली मींस जो मेजर इंटरबैंक प्लेयर्स है, वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन में पोजीशन नहीं बनाते, वो लोग 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन या इवन 1 बिलियन का भी पोजीशन बना। अकॉर्डिंगली उन लोगों को काटना पड़ा, सो उनका भी अच्छा खासा लॉसेस हुआ। ये लॉसेस के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे दे आर नॉट गोइंग टू जंप इनटू द मार्केट, दे विल आल्सो टेक रेस्ट। रेस्ट करने के बाद फिर नए सिरे से प्राइस एक्शंस को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लिया, समझ लिया, उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करना चालू करेंगे। वो लोग बैक टू बैक इवन ह्यूज प्रॉफिट बनाने के बाद भी इमीडिएटली नया पोजीशन पे जंप नहीं करते, और ह्यूज लॉसेस करने के बाद भी इमीडिएटली नया पोजीशंस पे जंप नहीं करते। अभी दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के मार्केट का नया सेंटिमेंट क्या है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, डॉलर येन, सीएनएच, डिफरेंट इकोनॉमिक डेटा, और एक तरफ डॉलर रुपए का प्राइस। अभी मेजर ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स अगर पहला वाला रेजिस्टेंस को तोड़ के नेक्स्ट रेजिस्टेंस को चैलेंज करते हैं टूवर्ड्स 105.50 से 105.70 के तरफ, इन सच केस क्या डॉलर रुपए दोबारा 83 के ऊपर जाने का प्रयास करेगा? अगर करेगा तो वहां पे 2.5 किलो का हाथ, इनविजिबल हैंड, हथौड़ा लेके बैठे रहेंगे,
दराम दराम करके, मुगुर जो देहाती क्या बोलते हैं उसको, पहलवान जो यूज करते हैं, आठ का इतना भारी सा वो होता है घुमाते हैं क्या वहां पे, इस लेवल पे 83 लेवल पे वो लोग फिर दोबारा हथौड़ा लेके पेनालाइज करने के लिए यानी सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा वो तो उन लोगों के ऊपर है, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये इतना डिस्कशन का जिस्ट या समारी क्या है, समारी ये है कि प्रिलिमिनरी एक रेंज मिला है जहां पे 80-20 से 80-35 का एक सपोर्ट होना चाहिए एंड 83-20 से 83-40 का एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। अभी हमें देखना है आने वाले दिनों में कि दोनों साइड को रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, पहला चीज। उसके बाद डिफरेंट जैक्सन होल के बाद डॉलर इंडेक्स किधर जाएगा, यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर किधर बिहेव करेगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं करेंसी फ्यूचर में। अभी अगस्त का जो फ्यूचर है 82.70, ये कल लो मारा था 82.37। कल मीन्स मेरा पहले का एक 82.75 का एक शॉर्ट पोजीशन था टी का, जिसका होल्डिंग कॉस्ट था 6.5 पैसा एंड मैंने कल उसको 31-32 लेवल्स में काट दिया, क्योंकि आई वाज नॉट मीन्स इससे ज्यादा मैं लॉस देना नहीं चाहता था एंड जहां पे मेरे को 50,000 का एक लॉस मैंने हैप्पीली बुक किया, क्योंकि इसीलिए हैप्पीली बुक किया। उसके बाद मैंने साथ ही साथ 82 क्वार्टर का उसको दोबारा शॉर्ट करके अराउंड 20% जो लॉस था, नॉट 20%, इट्स आई थिंक 25%, करीबन 12-13 हजार का मैंने रिकवरी कर लिया। यहाँ पे 275-3 लेवल्स में मैंने शॉर्ट किया एंड बाय द क्लोज ऑफ द डे ये स्ट्रेटेजी का 2 क्वार्टर पैसा पे 0.0025 पे मैंने स्क्वायर कर, तो वहां पे जो मेरा लॉस था लॉस का 22-25% रिकवरी हो गया ओनली इन करेंसीज अदर। और मैं अगर कट नहीं करता तो मेरा जो अदर ट्रेड्स है जैसे आपका निफ्टी में हो सकता है, बैंक निफ्टी में, क्रूड ऑयल्स में या अदर जहां जहां मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पर भी मेरे को काफी अपॉर्चुनिटीज मिला एंड 50% रिकवरी करीबन 25,000 बैंक निफ्टी एंड क्रूड ऑयल पे मेरा रिकवरी हो चुका। दैट मींस आपका 82 क्वार्टर का पुट को राइट करके मैंने 20-25% रिकवरी कर लिया एंड बैंक निफ्टी एंड क्रूड ऑयल को ट्रेड करके मैंने अनदर 50% लॉसेस रिकवरी कर दिया, यानी बचा करीबन आपका 20 से 25%, यानी 10 से 15 हजार का लॉसेस कल का ट्रेड का जो था उसके। फायदा क्या हुआ, आई केम आउट ऑफ माई एंगजाइटी, नॉट एंगजाइटी, मार्केट जब अगेंस्ट में जाता है तो थोड़ा सा मीन्स अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट अभी नाउ आई एम फ्री एंड आई एम इन ए पोजिशन टू एनालाइज इट फ्रेश। अभी आज के दिन में मैं ये सोच रहा था मॉर्निंग पे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं ये सोच रहा था 80-50 के पुट को शॉर्ट करेंगे, 80-50 एक्सपायरी, लेकिन जब खोल के देखा ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब डिसाइड मींस ओपनिंग पे ही 0.0025 हो गया, यानी प्रीमियम जितना भी था पूरा ओम स्वाहा हो गया। तो यहाँ पे और कुछ ट्रेड लेके फायदा नहीं, 82.5 पुट का आज का एक्सपायरी का, और 82.75 का जो पुट है उसको अभी नहीं देखना है क्योंकि ये रेंज मेरा क्लियर नहीं, क्या ये बाय 11:30 to 12:30 82.75 के ऊपर क्लोज देगा, देन एंड ओनली देन ये जो प्रीमियम है ये 0 होगा, अदरवाइज दोबारा नीचे लगने का पॉसिबिलिटीज यानी दोबारा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी। कल के जो लॉसेस है ये रेगुलर लॉसेस नहीं है, ये वंस इन कभी कभी हो जाते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो आपका
इंस्ट्रक्शंस था एनडीएफ में नया पोजीशंस नहीं इनिशिएट करने के लिए आर्बिट्रेज से रिलेटेड, वो एवरी डे या एवरी वीक या एवरी महीने नहीं आते हैं, ये कभी कभार ही आते हैं जब मार्केट इज अंडर ए स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तब जाके इस टाइप का प्रिवेंटिव मेजर्स, प्यूनिटिव मेजर्स नहीं बोलेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स वो लिया जाता है। सो ये जो लॉस है ये ब्लैक स्वान इवेंट की तरह है। ये पोजीशन जहां पे मैंने लॉस बुक किया, अगर नहीं करता तो आज के दिन में ये एट पोस्ट आ गया होता, दैट इज फाइन। बट एक चीज में स्ट्रेस देना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द गेम। पहला चीज, आप जब किसी ट्रेड में प्रॉफिट बनाने का सोचोगे तो आपको लॉस लेने का भी माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज अल्टीमेटली सुप्रीम, दैट बीइंग द केस। आपका लॉसेस एंड स्टॉप लॉसेस, पोजीशन साइज, मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करना चाहिए। आपका पोजीशन साइजिंग, आपका लॉसेस, आपका स्टॉप लॉसेस, ऐसा होना चाहिए कि इमीडिएटली या नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट ट्रेड अगर आपके हाथ के सामने है तो आप ले सकते। कल का मेरा ये डॉलर रुपए का स्पेशल एनालिसिस आप देखोगे, मैंने इधर काटा, बुक किया 50,000 का लॉस, यूरो में एक लॉस था 5,500 का, सब मिला के वहां पे 56,000 के आसपास का लॉसेस था, काफी मींस ऑलमोस्ट 70-75% का रिकवरी हो चुका। व्हाट आई वांट टू मीन, मैंने रिकवरी किया नहीं किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या मैंने फर्दर लॉसेस एग्रीवेट किया दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो जो लोग समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो और अपने ट्रेडिंग लाइफ में अपना ट्रेडिंग जर्नी पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं कि लॉस हो गया, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं कि छाप दिया या ये हो गया वो हो गया, नथिंग। ट्रेडिंग इज नॉट ए एक्साइटमेंट गेम। ट्रेडिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस। पोजीशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है एंड नेक्स्ट ट्रेड आपके सामने, आप ले सकोगे इमीडिएट। बैक टू बैक अगर आपका 10 ट्रेड भी लॉस होता है तब भी आप 11th ट्रेड ले सकते, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देते हैं, एक सर्जन, डॉक्टर सर्जन जो चीरफाड़ करते ऑपरेशन करते सर्जरी करते, सपोज दिन में उनका से काफी रेनाउंड डॉक्टर है, चाहे वो हार्ट का हो या किडनी का हो या लिवर का, जो भी व्हाट एवर स्पेशलाइजेशन ही इज हैविंग, तो मान लेते हैं कि दिन में उनका 20 सर्जरी का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड है, यानी आज के दिन में सुबह 8 बजे से शाम को से 5 बजे तक, या उनका जो भी वर्किंग आवर्स है वहां पे उनका बैक टू बैक 20 सर्जरी करना है। टाइम चालू हुआ, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है सब कुछ रेडी कर दिया, एनेस्थेसिया दे दिया, जो जो प्रिकॉशंस लेना है ले लिया, क्लाइंट का आई मीन पेशेंट का जो जो एक्टिविटीज करना है बिफोर द मेजर सर्जरी, तो वो सब करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, डॉक्टर गया, सर्जरी किया, फिनिश किया, निकल के आ गया। अभी मान देते हैं कि पहला वाला सर्जरी करा एंड द पेशेंट कुड नॉट रिकवर एंड एक्सपायर, आपको क्या लगता है कि जो नेक्स्ट सर्जरी होगा 15 मिनट या आधा घंटे के बाद फिर ओटी
रेडी हो जाएगा फॉर द सेकेंड क्लाइंट पेशेंट। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बैठेगा सोचने के लिए, अरे यार पहला वाला ऑपरेशन खराब हो गया, पेशेंट इतना अच्छा था, इतना ये होता ये हो जाता तो बच जाते, उसको रिकवरी, अभी उसका फैमिली का क्या होगा, ये होगा वो होगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर जो सर्जन है वो ऐसा एनालाइज करते हैं या ये बोलते हैं कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, पेशेंट को बचाना या नहीं बचाना अल्टीमेटली भगवान के हाथ में है, आई डू माई जॉब, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पेशेंट, आधा 15 मिनट आधा घंटा जो भी है उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट आया, सर्जन फिर अपना ओटी में गया, ओटी में जाके जो जो सर्जरी करना था काट चीर फाड़ करके, जहां जहां स्टिचिंग करना है, जो जो निकालना है निकाल के किया। मान लेते हैं सेकेंड पेशेंट भी, मीन सेकेंड सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड द पेशेंट डाइड आफ्टर द सर्जरी, नेक्स्ट थर्ड, क्या आपको लगता है कि दो बैक टू बैक पेशेंट सक्सेसफुल सर्जरी नहीं हुआ तो डॉक्टर विल स्टार्ट रिपेंटिंग, अरे यार क्या कर दिया, क्यों किया, आज दिन ही खराब है, आज मैंने ये नहीं किया, किसका मुंह देख के आया वगैरह वगैरह, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ करते हैं डॉक्टर, या डॉक्टर बोलते हैं आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, थर्ड सर्जरी, फिर 15 मिनट या आधा घंटे के बाद थर्ड सर्जरी, बैक टू बैक ऐसा करते करते 20 जो अपॉइंटमेंट है उनका शेड्यूल्ड सर्जरी पूरा का पूरा कंप्लीट है, उसमें से ऐसा भी होता है दिन अच्छा होता है तो 20 का 20 ही पेशेंट अच्छे हो गए, दिन खराब होगा तो 2-5 पेशेंट्स मीन्स रिकोप नहीं करते एंड मीन्स उसके बाद डेथ हो जाते हैं। व्हाट एग्जाम्पल मीन्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस इज लाइक दिस, यू डू योर ड्यूटी, रेस्ट मार्केट विल डिसाइड कि प्रॉफिट देना है या लॉस देना है, अगर लॉस देते हैं उसके बाद वही सर्जन की तरफ व्हाट नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट का आपका सेटअप आते हैं तो आप ट्रेड लो, वो भी अगर लॉस में जाता है फिर व्हाट नेक्स्ट, बट आप ट्रेड ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे, आप इंतजार करोगे आपका जो भी स्ट्रेटेजी, व्हाट एवर आप इचिमुकु लगाओ, आप हाइकेनशी कैंडल्स लगाओ, आप आरएसआई लगाओ, आप मैकडी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ भी करो, व्हाट एवर इज योर स्ट्रेटेजी दैट स्ट्रेटेजी शुड गिव यू द सिग्नल कि अभी बाई का टाइम आया है तो बाई कर दे, अभी सेल का टाइम आया है सेल कर दे, नो रिवेंज ट्रेडिंग कि आज मैंने अभी ये 50,000 में ट्रेड कर लिया, लॉस हो गया तो अभी मैं एक ट्रेड लेता हूँ, 1 लाख रुपया बनाऊंगा, 50,000 लॉस रिकवर हो जाएगा, 50,000 बन जाएगा एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एक्साइटमेंट, ट्रेडिंग इज ए बोरिंग गेम, बोरिंग गेम इसीलिए आप चुपचाप बैठे रहोगे आपका सेटअप होने के लिए, मेरा जो प्रीवियस ट्रेजरी हेड थे He was also a big trader in his earlier career. Then subsequently, means upward, higher level pe responsibilities mein aaye. He used to tell, trading is just like fishing. Ab jab fishing karte ho with a fishing rod, आपके पास फिशिंग रॉड है, फिशिंग हुक है, फिशिंग स्ट्रिंग है और फिशिंग का जो दाना है चारा है वो लगा के आप पानी में, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो झील हो, कुछ भी हो, आप वहां पे इंतजार करते हो, क्या इंतजार करते हो कि कब आके एक मछली उस फिश के जो हुक है वहां पे आके अटकेगा, अगर अटकेगा तभी जाके मैं फिश को कैच करूं, फिशर्स वो जो फिशिंग रॉड के साथ फिशिंग के लिए जाते हैं, दे नेवर हंट फॉर फिशेस, कि चलो यहाँ पे नहीं मिला तो वहां पे जाएंगे, वहां पे नहीं मिला तो वहां पे जाएंगे, उनका एक प्रोबेबल एरिया होगा जहाँ पे फिश मिलने का प्रोबेबिलिटी से, और वहां पे अपना फिशिंग रॉड, फिशिंग हुक, फिशिंग स्ट्रिंग के साथ बैठे रहे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक फिश आके फिश हुक में नहीं अटकते। सिमिलरली
अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेडिंग इज लाइक फिशिंग, आपको इंतजार करना पड़ेगा आपका सेटअप के साथ, आपके स्ट्रेटेजी के साथ। आपका स्ट्रेटेजी जब तक नहीं बोलेगा कि अभी बाई कर, या आपके स्ट्रेटेजी जब तक नहीं बोलेगा कि ये सेल कर, तब तक आपको बैठे रहना है। तो दो साइकोलॉजी पार्ट हमने डिस्कस किया, एक है कि ट्रेडिंग इज लाइक फिशिंग, आपको इंतजार करना पड़ेगा आपका सेटअप के हिसाब से बाय सिग्नल्स या आपके सेटअप के हिसाब से सेल सिग्नल्स आने के लिए। दूसरा वाला क्या है, आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए यू विल बी हैप्पी टू गिव, क्यों, नेक्स्ट ट्रेड व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रेड आया आपने ले लिया, फिर व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रेड आया आपने ले लिया। कल मैंने, आप देखोगे कल का जो वीडियो आप डॉलर पी का स्पेशल एनालिसिस है, जहां पे मैं ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ, वहां पे देखोगे 80 to 75 का मैंने लॉस बुक किया, 50 ऑल टोटल 56,000। उसके बाद मैंने इमीडिएटली क्या किया, 82 क्वार्टर का पुट को शॉर्ट किया, वीडियो में आप देख लेना, शॉर्ट करके। क्यों शॉर्ट कर पाया, बिकॉज स्टॉप लॉस आई एम प्रिपेयर्ड। ये स्टॉप लॉस कितना होगा, 50,000 होगा, 5,000 होगा, 500 रुपया होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, ये ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करता है। आप जहां पे कंफर्टेबल, आप अगर 500 पे कंफर्टेबल हो तो 500 रुपीज इज योर स्टॉप लॉस, आप अगर 5,000 में कंफर्टेबल हो तो 5,000 रुपीज इज योर स्टॉप लॉस। तो क्या हुआ, मैंने व्हाट नेक्स्ट में किया, जैसे ही मैंने एनालाइज किया डॉलर रुपी में एक बेस आउट करने का प्रयास किया, इस लेवल पे हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखोगे अगस्त यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तब जाके मैंने क्या किया, 82 क्वार्टर का पुट को शॉर्ट किया, तो प्रॉफिट आया। लेकिन मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया कि इसमें 50,000 गया तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया बनाऊंगा, या मैंने यहाँ पे ये करूंगा वो करूंगा। मैं चाहता तो मैक्सिमम क्वांटिटी शॉर्ट करता, लेकिन मैंने ओनली 400 लॉट्स शॉर्ट किए एट 82 क्वार्टर, क्योंकि वहां पर भी आई शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं कितना लॉस मार्केट को देना चाहता हूं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मार्केट मेरे को कितना प्रॉफिट देगा ये मार्केट के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं ट्रेड लेता हूं विथ ए रिस्क एंड रिवॉर्ड, लॉसेस होगा तो बढ़िया, प्रॉफिट होगा तभी बढ़िया, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा वो पता नहीं, लेकिन कितना लॉसेस होगा यू नीड टू अंडरस्टैंड। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बिकॉज दिस इज अ बर्निंग एग्जाम्पल, इसीलिए बर्निंग एग्जाम्पल है विथ लाइव ट्रेडिंग। कल का वीडियो आप देख लो जहां पे मैंने कटने के बाद बैक टू बैक और एक ट्रेड लिया, उस टाइम पे आप मेरा मनोस्थिति क्या था आप देखना, ये नहीं कि मैंने 10,000 बना लिया, 12,000 बना लिया, 15,000 बना लिया, नो, मनोस्थिति, यानी क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था या मैं अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड ले रहा था। मेरा सिस्टम क्या था कि 82 35 40 के आसपास जाके क्या ये कंसोलिडेट करके फिर बाउंस लेने का प्रयास कर रहा है, यानी अगर वहां पे कंसोलिडेट करके इस एरिया पे कंसोलिडेट करके बाउंस करने का प्रयास कर रहा है इन सच केस 82 क्वार्टर का पुट शॉर्ट करना अच्छा रहे, ये मेरा डिसीजन था पहला। एक डिसीजन, देन कम्स योर पोजीशन साइज, मैंने ओनली 400 क्वांटिटी शॉर्ट, मैं अगर 5 गुना यानी 2 मिलियन डॉलर का यानी 2,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर देता तो मेरा एंटायर 50,000 के ऊपर यानी लॉस रिकवर होके थोड़ा प्रॉफिट हो भी सकता था। बट क्या मैं दोबारा लॉस लेने के लिए, बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार हूं, वहां पर भी अगर दोबारा 50,000 लॉस होगा क्या मैं तैयार हूं, इसीलिए मैं 2,000 लॉट का शॉर्ट पोजीशन एट 82 क्वार्टर पुट को मैंने नहीं किया, मैंने छोटा क्वांटिटी किया 400 लॉट्स, ताकि वहां पे भी अगर मेरा 10,000 15,000 20,000 का अगर लॉस होता है, 25,000 का लॉस होता है, फिर भी व्हाट नेक्स्ट मैं कर पाऊंगा। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे मैंने इमीडिएटली ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, ऑल दिस थिंग्स मैंने डिस्कस किया, दोबारा रिवाइंड करके
रिप्ले करके देखिए, मैं साइकोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा, मैंने ये किया वो किया, दिखाने का मेरा कोई प्रयास नहीं। जस्ट मेरे को जितना थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा नॉलेज आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा। यहाँ पे ये गेम हो गया, फिर मेरा ये बैंक निफ्टी में भी थोड़ा प्रॉफिट आया, क्रूड ऑयल पे भी मेरा थोड़ा प्रॉफिट आया, देयर बाय मेजोरिटी मोर देन मीन्स 70-75% मेरा रिकवर हो चुका। इसीलिए आपको रिस्क टू रिवार्ड, आप कितना लॉसेस लेना चाहते हैं, आपका पोजीशन साइजिंग क्या है, क्या आप जो ट्रेड ले रहे हो एज पर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या नहीं। So, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पे यहीं तक रखता हूँ। अच्छा छोटा सा, अभी देखोगे कि मैं और कुछ फर्दर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है क्लैरिटी थोड़ा सा मिसिंग है। मंडे को देखिए, मंडे को फिर नया देखेंगे, नया सोचेंगे, कुछ अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आएगा तो कॉल या पुट या दोनों राइट करें। सो करेंसी यूएसडी आईएनआर स्पेशल एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आपको अगर लगता है कि मेरा ये प्रयास जहां पे मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी, थोड़ा सा ट्रेडिंग सिस्टम, थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग, थोड़ा सा बिहेवियर, मनोस्थिति, माइंड की स्थिति, इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मैं अपने प्रयास में सफल हो रहा हूँ या नहीं, वो डिपेंड करता है। क्या मैं आप लोग मेरा ये वीडियो समझ रहे हो, इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो या नहीं? अगर ये वीडियो आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो तो मेरा ये प्रयास सार्थक है। अगर एक भी पर्सन ये वीडियो विद फुल इंटरेस्ट के साथ फर्स्ट टू लास्ट देखेगा तो मेरा ये प्रयास सार्थक। सो अभी के लिए इतना ही, अभी के सो थैंक यू एंड बाय बाय।